आज का ये वीडियो कम्प्लीटली अलग होने वाला है। ये ना कोई कॉमेडी वीडियो है, ये ना कोई ब्लॉग है, ये बल्कि एक रिव्यू वीडियो है। तो गाइस, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर नींद आ भी जाए तो बस 2-4 घंटा ही सो पाता हूँ। तो मैंने इसीलिए नेट पर रिसर्च किया कि ऐसा कोई चीज है जिससे कि नींद आ सके, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे म्यूजिक ट्राई किए जो नेट पे बोला गया है कि लगाने से नींद आ जाती है, जो कि मेरे पे बिल्कुल काम नहीं किया। तो मैंने एक दिन नेट पे रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में, बट जब तक आप खुद यूज़ ना करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सच है कि झूठ है। तो मैंने वो प्रोडक्ट को 2 दिन पहले बुक किया अमेज़ॉन से और आज वो आके डिलीवर हो गया है। चेक करते हैं ये कैसे काम करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा था वो है ये न्यूरोवा का H2O टॉप फिलिंग ह्यूमिडिफायर। अब इसके क्या काम है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या फायदे हैं, आपको वीडियो के एंड तक देखिएगा और पता चल जाएगा। तो अभी फटाफट से इस मशीन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये रहा वो बॉक्स। ओह गॉड, काफी बड़ा लग रहा है। कुछ मैनुअल्स मिले हैं इधर जो कि हम जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे। तो ये रहा मशीन, कुछ इस तरह दिखता है बाहर से। USB port, micro USB port, 2.0 USB. ये भी छोटा नहीं है, उसके अंदर उसके अंदर करीब 1 लीटर पानी इसमें रह सकता है, USB केबल चार्ज करने के, और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाद में यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह दिखता है, तो इसको इस केबल के जरिए हम चार्ज कर सकते हैं और इस USB port को यहाँ पे लगाएंगे और इसको किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके साथ लगा के चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के चार्जर से यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप में इसको चार्ज में लगाता हूँ। अब देख पा रहे हो ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब चार्जिंग में लग गया है। सबसे अच्छी बात है कि आप इसको 3-4 घंटे के लिए चार्ज कर दोगे तो ये लगभग 5-10 घंटा तक बैकअप देगा। जब पहली बार आप इसे ऑन करेंगे तो सबसे पहले आप इसके जो दो कॉइल्स हैं, रिफिल बोल सकते हैं, इन दोनों को पानी में मिनिमम 10 मिनट तक भिगा के रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको ला के यहाँ रखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कुछ देर के लिए भिगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह मैंने इसको पानी में डाल के रखा है, तो 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं आपको क्विकली इसके कुछ बेनिफिट्स वगैरह बता देता हूँ। वैसे इस मशीन को ह्यूमिडिफायर को लगाने से बहुत सारे ऐसे फ़ायदे आपको होने वाले हैं, जिसमें से कुछ हैं, अगर आपको एलर्जीज हो रहा है तो ये ह्यूमिडिफायर से वो एलर्जी आपके दूर हो सकते हैं। अगर आपको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है, इचिंग सब स्टार्ट होता है उससे, तो ह्यूमिडिफायर से वो ड्राई स्किन का प्रॉब्लम भी जा सकता है। और सबसे बेस्ट फायदा जो मेरे लिए है, बहुत इम्पोर्टेंट, नींद का अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस ह्यूमिडिफायर से आपके रूम में अगर आप लगा के सोओगे तो अच्छी नींद आएगी कहा जाता है, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो जब तक मैं खुद यूज़ ना करूँगा आई डोंट बिलीव। और सर्दियों में और एक प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है कि नाक बंद हो जाता है सर्दी में, नोज ब्लॉक होता है, तो इस ह्यूमिडिफायर से वो प्रॉब्लम भी नहीं आने वाला है। सर्दी में आपको खास करके जो बुखार, सर्दी, कोल्ड फीवर सब आते हैं ना, तो इससे वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप घर में छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हो तो इस ह्यूमिडिफायर से वो भी हेल्दी रहते हैं। अगर आपके घर में लकड़ी के फर्नीचर्स भरे पड़े हैं तो इससे उनका लाइफ भी बढ़ता है। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं इन दोनों विक्स को या फिर रिफिल्स को भिगा के, तो अभी हम इसको इस मशीन में लगाने वाले हैं। इस पहले वाले बस टाइट हो गया, दूसरे को भी वैसे ही डालेंगे। अब ये रेडी हो चुका है, बस हमें इसके अंदर पानी डालना है और
लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग या नॉट। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी लगभग डाल दिया है और इसमें बताया गया है कि पूरा ऊपर तक पानी यूज़ ना करें वरना ये काम नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं जो कटआउट हुआ है यहाँ पे, इसके थोड़ा सा नीचे तक लेवल रहना चाहिए इस तरह से। पानी ओवरफ्लो कर गया तो मुझे थोड़ा सा पानी और कम करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा पानी और निकाल देता हूँ। सही बैठ गया। गॉड पानी गिर गया लैपटॉप। ओके तो अब लेट्स सी अब कैसे स्टार्ट होता है। ये रहा स्विच, मुझे पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स सी। ओ माय गॉड गाइस इट्स वर्किंग, आप देख सकते हो फॉक्स, वाओ अमेजिंग। दोनों के दोनों पोर्स काम कर रहे हैं। आप अगर इसे हाथ रखेंगे ना तो बहुत ठंडा लग रहा है। सो गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट, और अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अमेजोन से ले सकते हो। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ भी आप इसको स्टोर करने वाले हो, रखने वाले हो, जब ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो अभी जिस तरह से मेरे लैपटॉप वगैरह जेरोक्स मशीन जैसे नज़दीक है ना, तो उसको नज़दीक नहीं रखने का, इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम से थोड़ा दूर रखने का, और फर्नीचर्स वगैरह से भी दूर रखने का, नज़दीक में मत रखिएगा। तो जो फॉक्स है ना ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह में, ऐसा ये मैनुअल में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्यों ना फॉलो करें। तो ये था मेरा रिव्यू इस ह्यूमिडिफायर का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यूज़ करूँगा। देखता हूँ अगर मेरी जो रातों की जो नींद का जो प्रॉब्लम है अगर इससे सॉल्व हो रहा है तो मैं इसका एक अलग रिव्यू आपको बाद में बना के बता दूँगा। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इसको यूज़ करता हूँ और देखता हूँ ये कैसे काम करता है। बाय।